अभी बज रहे हैं 8 o'clock, मैं यू नो सो के तो मैं कब की उठ गई हूँ, बट मैं अभी डक्ट एरिया में हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज सबसे पहले तो सारे यू नो जो सॉफ्ट टॉयज थे अपने बच्चों के, वो मैंने उनको निकाला और क्लीनिंग करने के लिए डाला है। तो सबसे पहले आज मैं वो क्लीन करूंगी। तो हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस 7:45 तक वो यहाँ से निकल जाते हैं, कभी कभी 7:30 भी निकल जाते हैं। तो मॉर्निंग में यहाँ पे उठ के मैं सबसे पहले आती हूँ। मेरी बाई जो रहती है वो मेड क्लीनिंग वगैरह करती है, बर्तन वगैरह धोती है। सो अभी उनका काम हो जाएगा 15 मिनट में, और मैं यहाँ पे उठते ही सबसे पहले अपने कपड़ों को लगा देती हूँ ताकि कपड़े जल्दी से यू नो कपड़ों का काम भी हो जाए, तो बर्तन झाड़ू पोछा हर एक चीज हो जाता है। तो बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग में मैं आपको दिखाती हूँ गाइज यहाँ से। एंड मेरी आईब्रोज कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है जाने के लिए कि मैं जाके आईब्रोज करा लूँ। मुझे पहले जहाँ पे हम रहते थे ना, वहाँ पे अच्छी थी वो लेडी जो मेरा आईब्रो वगैरह करती थी, बट यहाँ पे मुझे इतना आइडिया नहीं है, और यहाँ के पार्लर्स भी मुझे मैंने अभी तक देखे नहीं है सीरियसली गाइज। तो आईब्रोज मेरी काफी बढ़ चुकी है। और चलिए मैं आज तो सबसे पहले अपने बच्चों के सॉफ्ट टॉय वगैरह क्लीन करूंगी, और उन्हें क्लीन करके रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये छुट्टी मिलता है मई का टाइम, जो मुझे पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है कि मैं उसे यू नो क्लीनिंग एंड ऑल हर एक चीज कर सकूं घर का। सो यहाँ पे वैसे भी नया घर है तो इसमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहती है, वैसे तो डे टू डे जो भी काम होता है वो हम करते ही हैं। एंड देखिए मैं आपको व्यू दिखा, ये देखिए 8 बजे के टाइम कुछ ये इस तरह का व्यू होता है। सो ये मेरे डक्ट एरिया से पूरा प्रॉपर दिखता है। यहाँ पे मे बी ब्राइटनेस ज्यादा है इसलिए आपको यू नो दिख रहा होगा, मैं इसे और भी छोटा ब्राइटनेस कम करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है एक्चुअली। एंड ये देखिए सो ये यहाँ पे भी काम वगैरह चालू है इस तरह, और यहाँ पे ये मेरे डक्ट एरिया में मैं यहाँ पे क्लीनिंग के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में ये लगा देती हूँ। और सॉफ्ट टॉय इसको भी मैंने इसमें ही वॉशिंग में ही डाल के यहाँ पे रखा है, तो फिर ये थोड़ा सा क्लीन हो चुका है एंड बाकी के भी कपड़े हो जाएंगे। सो चलिए गाइस पूरी ब्लॉग देखिए आपको कैसा लगा। सो यस, जो कि ये बड़ी वाली टेडी बेयर है, तो मैं इसके जितने भी यू नो अंदर के जो फोम्स वगैरह होती हैं, ये माइक्रोफाइबर होती है एक्चुअली, वॉशेबल होती है, बट मैं इसे पूरा निकाल के ही क्लीन करूँगी। और एक्चुअली उसके साथ में क्लीन करना चाहिए, बट मैं इसे निकाल के क्लीन कर रही हूँ। और टेडी बेयर के जितने भी अंदर के माल मसाला है मैंने सब निकाल दिया है और इसे अच्छे से क्लीन कर, एक्चुअली ये थोड़ी सी साइड से सिलाई इसकी निकल गई तो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं यहाँ पे मशीन पे अपने इस टेडी के साइड से पे अपने टैडी को देखिए किस तरह से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साबुन डाला और गरम गरम पानी डाल के इसे क्लीन कर रही हूँ। सो अच्छी तरह से यू नो ब्रशिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, हाथों से ही अगर आप करें। देखो हमारा टैडी कितना क्लीन एंड क्लियर यहाँ पर बैठा है, और ये कस्तूरी खेल रही है अपने टैडी के साथ। देखो यहाँ पे सारे के सारे टॉयज हमने दो लिए थे। कस्तूरी हमेशा टीका वगैरह लगाते रहती है अपने टैडी को। हाँ, तो ये देखो ये जितने भी सॉफ्ट टॉयज है ना ये सब क्लीन कर दिया है ना कस्तूरी, अच्छा लग रहा है ना अब। तो कस्तूरी को सबसे ज्यादा सॉफ्ट टॉयज पसंद है। हमने अभी उस घर से इतने सारे बाकी के सब मेरे बेड में डाले, नहीं निकालती हूँ यार, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। फिर आज मैं अपने सारे कर्टन्स को निकाल के क्लीन करने वाली हूँ गाइज, और जैसे आपने देखा टेडी बेयर्स वगैरह जो भी सॉफ्ट टॉयज है उन्हें भी क्लीन कर रही हूँ मैं। सो बहुत जरूरी है एक्चुअली, वीक में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। ये देखिए ये मेरे बच्चों के बेडरूम वाली कर्टन है, सो सबसे पहले मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है और इसे इस तरह से छोड़ दिया है, और ये बाहर वाले जो कर्टन्स है ये बहुत जल्दी ही क्लीन हो जाते हैं एक्चुअली। तो मैं ये कर्टन्स को यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ सबसे पहले। इसे इस तरह से वॉश कर रही हूँ और ये टैप के नीचे करना है। यहाँ पे एक्चुअली ये गर्म पानी का सिस्टम है, तो ऑटोमेटिकली सोलर है, तो ये गर्म पानी से जल्दी ही ना सारे कचरे निकल जाते हैं।
तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। फाइनली कर्टन्स को मैंने लगा दिया है और देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है ये। और इसे ड्राई करने के लिए मैंने वॉशिंग मशीन का यूज किया था और हाथों से ही वॉश किया, सो ये अच्छी तरह से ये कर्टन्स जो भी है ना वॉश हो जाते। और ये मेरे बच्चों के बेडरूम के लिए कर्टन मैंने डिसाइड किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, सो उन्हें ऐसे प्रिंसेस एंड बार्बी वाले चाहिए थे, सो कुछ इस तरह। और ये कबर्ड अभी तक बना नहीं है उनका, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कैसे कबर्ड बनवाऊं, बट इनकी डिमांड है कि अब यूनिकॉर्न थीम चाहिए, तो यहाँ पे पूरा यूनिकॉर्न का एक थीम बनवाऊंगी, है ना कस्तूरी, यू लाइक इट। यहाँ पे ये कर्टन्स को, ये बाहर के भी कर्टन्स मैंने अच्छी तरह से सब क्लीन कर लिए, काफी अच्छा लग रहा है। मन को भी शांति मिलती है यार जब हर चीज काम वगैरह हर चीज पूरा हो जाता है, सो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे वॉश करना बहुत ही ईजी है एक्चुअली, सो मैंने ये जो कर्टन्स लगवाई है अपने घर में ये बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। जरूर कमेंट करना, आप मुझे बताना आपको मेरे कर्टन्स कैसे लगे। ये मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने ही इस इन कर्टन्स को देख के डिसाइड किया था कि हम अपने घर में ऐसी ही कर्टन्स लगवाएंगे, सो ये परफेक्टली मैच होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है, इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे थे मुझे और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस। तो यस, मैं आ चुकी हूँ किचन में और गोल्डी ने मुझे डिमांड की मम्मा थोड़े से पापड़ छान के दे दो, सो मैं ये 4 बजे का टाइम है एक्चुअली और मैं यहाँ पे उन लोगों को पापड़ वगैरह फ्राई करके दे रही हूँ। एंड अब बनाने जा रही हूँ, थोड़े पनीर बनाऊंगी एंड पनीर का जो आइटम है सारे के सारे मैंने फ्रिज में, देखिए किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया। और मुझे कमेंट आया सच में यार, लोग पूछते हैं कि आप अपने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाल ली हैं, अब मैं प्रिपरेशन पे पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है कैप्सिकम हाफ, यहाँ पे ली है ग्रीन चिली, यहाँ पे मैंने लिया है करी लीव्स, यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची, 2 लवंग और ये जीरा लिया है, ये मैंने कोरिएंडर लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने ग्रीन पीस और यहाँ पे एक बड़े टमाटर को काट लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी इसे, ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़े से करी लीव्स यहाँ पे ऐड करूंगी, उसके बाद मैं ऐड करूंगी यहाँ पे ग्रीन चिली, उसके बाद मैं ऐड करूंगी, उसके बाद मैं ऐड करूंगी ये और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे सबसे पहले। तो ये थोड़ा सा भून जाए तो मैं उसके बाद ऐड करूंगी टोमेटो, जब ये हो जाए तो अब मैं यहाँ पे ग्रीन पीस डालूंगी और उसके साथ में डालूंगी ये टमाटर। उसके साथ में मैंने ये जो पेस्ट बना के रेडी कर ली थी ये वाली, तो मैं इसे भी डालूंगी और इसे चला लेंगे।